इनके यहाँ आए लोग और इनसे कुछ सीखें कि धरती बहुत से चीजें देती हैं लेकिन कौन इसका हम लोग जान नहीं पाते हैं, ज्ञानी है वैज्ञानी है कौन वैद्य है इसके बारे में बाबूजी से पूछें। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि शिक्षा जो चल रही है, कागज गिर गया आपका, जो शिक्षा चल रही है उससे इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह शिक्षा अधूरी है, हमें उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं एक 22-23 में एक प्रेजेंटेशन देना था वहाँ इस पर, तो वहाँ से फ़ोन आया कल कि आपको तैयार है ना, हमें पूरा तैयार है यार, घंटे आध घंटे तैयार है। पेटकल का मतलब? हाँ भैया, भैया प्रणाम भैया, बहुत बढ़िया हाल चाल बा। तो DFO साहब ने कहा कि व्यर्थ प्रयास करेंगे, नहीं होगा, लगेगा नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ वही सर, एटमॉस्फेयर मेरे समझ में नहीं आता, मेरे समझ में आता है कि भगवती पृथ्वी को प्रणाम करके और पवित्रता के साथ जिससे लगा जाए उसे निकाल कर लेंगे। और चंदन जब हमें 15 साल के हो गए तो अब आप समझिए कि गाजीपुर में जो चंदन बटल है वही के देख के यहाँ बढ़िया हो रहा है, तो वो सब बातें नहीं है, बस प्रयास धरती है जो भी आप सही नियत से आप लगाइए। हम देख रहे हैं किधर है जीरा का भी पौधा, हम लोग देखा जाए तो अभी जम नहीं रहा है भैया जी, कतार से बोया गया है, जमेगा अब, करीब 8-10 दिन हो गया है, बथुआ निकल गया है इसमें। अरे बथुआ तो आप समझिए कि देखे ना, तो इसका कैसे समाधान करेंगे, थोड़ा और पौधा थोड़ा फटा जाए ना तो निकाल देंगे। तो कब लगाए हैं इस ड्रैगन फ्रूट को? अगस्त, अगस्त माह में ग्रोथ बड़ा तेज होता है, कहीं से कि DHO साहब बोलो तो कहूँगी इतना इसका ग्रोथ तेज होता ही है जी, आपने सपोर्ट अच्छा दे दिया ना इसलिए और ग्रोथ हो रहा है जी जी जी। और फिर हमको लगता है 2 साल के बाद इसको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जैविक पूरा वही गाय का गोबर का घोल वाला है, गाय का गोबर पीछे देखिए खंभा हवन का राख है जी। तो इसके अलावा क्या क्या बोए हैं आप आज? आगे में मूसली है, सब मूसली है इनके में। हाँ तो जरा देखा जाए उसको भी हम लोग, ये नारियल भी बीच बीच में लगा दिए आप? नारियल हम लगाए हैं पूरा, पूरे प्लाट में नारियल है। ये क्रॉप फसल का आपने भरपूर लाभ ले रहे हैं, मटर भी? अब ये नारियल जो बड़ा वाला पौधा हो गया है 5-6 साल इस फल देने लगे, 5 साल बाद, और ये वाला जो है 7 साल। तो इस नारियल में क्या क्या डाले हैं आप, नारियल में जड़ में क्या? वही देसी, इसमें नमक उमक का भी इस्तेमाल करते हैं? नमक के पानी का घोल, नमक का इस्तेमाल करते हैं? नमक के पानी का घोल जब भी पड़ता है पानी, बिना नमक का इस्तेमाल का। अच्छा ये देखिए, अच्छा नमक का इसमें क्या है, रिसर्च क्या है इसमें, नारियल में नमक क्यों पौधे में डाला जाता है? नारियल में जो पत्रिकाओं में लिखा है जैसे आपको जरूरत पड़ती है भोजन में नमक की, तो कुछ लोग नमक ज़्यादा, ये पौधा नमक ज़्यादा खाता है इसलिए इसको अलग से नमक देना पड़ता है इसलिए जी। इसमें कोई फसल थी काल में खत्म हो गई। अच्छा इसमें काल में डालते हैं, अब चना लगा दिए हैं आप? अब उसके बाद चना है, चना है जी, और ये एक और फसल है उसमें जिसको सोआ कहते हैं, बाजार में बड़ा ही इसका डिमांड है। सोआ और बथुआ तो इस समय जाड़े के मौसम में लोग और सरसों भी है। हाँ सोवा वही, सोवा वही है, सोवा सोवा। ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट है, ये जब फलेगा भाई साहब ये बहुत कास्टली बिकता है, और गाजीपुर में 3-4 किसान इसका खेती कर रहे हैं, और गाजीपुर के नेता लोग हैं, भाजपा के नेता लोग हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये लोग ज़मीन से जुड़े हैं, भाजपा वाले तो हाई फाई हो गए हैं। आइए और भी हम लोग देखें भाई, ये देखिए मूसली लगा है, सफ़ेद मूसली, ये गाजर है कि सोवा है? ये सोवा ही है ना, गाजर का भी पत्ता ऐसा ही होता है वैद्य जी? क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लगा इसलिए मैंने पूछ दिया हूँ। ये सोवा में मिठास है सर। तो ऑर्गेनिक है ना, ये ऑर्गेनिक, इसमें रासायनिक खाद नहीं है, इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं है। आइए सर मूसली देखिए, मूसली का पौधा, थक गए क्या आप लोग? अच्छा ये क्या है, ये है क्या, ये देखिए क्या है, नहीं इसमें कोई खाद नहीं है, ऑर्गेनिक है।
अच्छा काली मिर्च आप बो रहे हैं कि नहीं? दो चार पौधा लगा है। कहाँ है ये? है देखिए सफेद मछली का पौधा। कहाँ सा, कौन सा है सफेद मछली? देखिए ये है, ये है। हाँ ये ये तो उधर में दिखा रहा है ना, इसका पौधा सूख रहा है ना। जी जी ये देखिए सर सफेद मछली, इसमें से आप लोग जो कहते हैं दो तरह की मछली होती है, सफेद और लाल। ये देखिए सफेद मछली है, आप खाएंगे तो आपके वीर्य जो है मजबूत होगा। बड़ा गुणकारी हाँ। कतारों में बोई गई है तो सब में सेक्स की क्षमता बढ़ाता है। कहाँ है सुनिए, इस ये है पौधा, ये सेक्स की भी क्षमता बढ़ाता है, यही है मतलब वीर्य का आपके मतलब ताकत बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है। और क्या क्या लगाए हैं वैद्य जी आप अपने यहाँ? ये तो मूसली हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, काल में खत्म हो गया। काली मिर्च लगाए हैं कि नहीं? काली मिर्च का पौधा और ये क्या है बीच में? हल्दी, हल्दी लगाए हैं, कच्ची हल्दी किस किस काम में आती है भाई साहब? आप कच्ची हल्दी खाए हैं कि नहीं आप लोग? जिसको खांसी आ रहा हो इस समय कच्ची हल्दी का सेवन, इसको जरा देखिए भाई क्या है। आपने इस पौधे को देखा है कहीं? हाँ देखें बताइए जी। देखा है सर, इससे वर्मा कपूर बनाता है भैया जी। अच्छा, इसी को मैंने वहाँ दिल्ली में रखा था इस प्रसंग को। ये ब्लूमिया बेल सेमीफेरा कुकरौधा है। कुकरौधा ना जी, उसकी पत्तियों को जरा एक बार देखिए, कपूर की गंधाती है इसमें। कपूर है ही, परमेंट निकलता है नदियों के किनारे वो सब। जी जी, अब भारत तो इसका इतना धनी है देश, लेकिन टेक्निक किसी को पता नहीं। अब हम ही आज तो आपके यहाँ जो ये बनना था आयुष मंत्रालय से, क्या हुआ अभी? 22-23 को मीटिंग है लखनऊ में, और भारत सरकार के लोग आ रहे हैं, ये आयुष मंत्री रहेंगे, उसी में धन का आहरण होगा। तो क्या यहाँ मतलब धन का आहरण हुआ तो क्या क्या यहाँ लोगों को, किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा? 1-5 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, आयुर्वेदिक ढंग से चलाया जाएगा। अच्छा, एक लेबोरेटरी बनेगी, एक डैंग से एक गोदाम। अच्छा, और एक क्रय सेंटर की किसान जो पैदा करेंगे उसको हम लोग खरीद लेंगे, और भारत सरकार वो नहीं है, वो नहीं है ना, तो भारत सरकार को किसानों के खरीद के क्रय केंद्र भी बन जाएगा। जी जी, और उससे क्रय सेंटर हो जाने से खेती बढ़ जाएगी, खेती बढ़ जाएगी। हाँ, क्रय सेंटर हो जाएगा तो किसान और भी औषधि खेती का तरफ बढ़ेंगे लोग, बेच नहीं पाते हैं। काली मिर्च वगैरह का आजकल देखिए कितना डिमांड है। जी, जी। हमारे एक मित्र हैं, आप भी आपके पहले जानते हुए, राजा राम त्रिपाठी जी ने पूरा बस्तर में काली मिर्च इस समय विदेशों में, अपना हेलीकॉप्टर ले लिया उन्होंने। जी, 7 करोड़ अपना हेलीकॉप्टर ले लिया, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों के मित्र हैं, कई बार बुलाते हैं, लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर ले लिए। जसवंत भाई कहे कि चलिए हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमा जाए। इसका क्या नाम है गुरुजी? कुकरौधा। कुकरौधा, कुकरौधा, ये इसी का जो है अंग्रेजी में ये कपूर बनाता है, कपूर सेंट में भी ये इस्तेमाल होता है। आज की ये बात नया बता दें आपको, एक महिला आई हमारे यहाँ 5 दिन पहले, ये दौरिया गाँव है, उसका नाम भी मन लिखा है, तो उसको ब्लीडिंग माने रक्त प्रदेश जितना था कि जब आता था मेंस तो 8-10 दिन लगातार खून गिरता था। अच्छा वैद्य जी, यही मैंने दिया जी, मैं एक चीज पूछा, जैसे कुछ पौधे आपके बहुत बड़े हो गए हैं, ये ड्रैगन फ्रूट के ये बहुत छोटे अभी क्यों हैं? बाद में लगे हैं। अच्छा, मतलब बाद में, ये जुलाई में नहीं लगे? जी ना, ये इधर वाले सब पौधे बाद में लगे, बाद में लगे हैं। कितने क्वांटिटी में पौधे लगाए हैं मतलब? प्रति पिलर अच्छा, पिलर 4 पौधे लगे हैं, पिलर तो संभवतः है एक, 4 पौधे लगे हैं। ये कितने साल फल देंगे? 20 साल। 20 साल ना जी, 2 साल में फलने लगेंगे? 2 साल के बाद फल देने लगेंगे, और 20 साल ये लगातार फलेंगे? जी, लगातार फलेंगे, इंटरक्रॉपिंग में हमेशा फसलें। तो इसका इसका फल कहाँ आप बिक्री के लिए ले जाएंगे? बनारस बड़ी मंडी है, गाजीपुर में भी अब तो शुरू हो गया है बिकना। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट लोग गाजीपुर में आ गया है? आ गया है जी। क्यों सर, गाजीपुर में ड्रैगन फ्रूट मिल रहा है? पर पीस का रेट है? हाँ जी जी जी। अच्छा, प्लेटलेट वाल में खा रहे थे लोग? बड़ा काम का है। तो किस तरह का होता है पौधा और फल? इतना बड़ा बड़ा होता है, लाल जो होता है जिसके भीतर लाल कलर है वही सादे ज्यादा गुणकारी, लाल जो होता है सारा हम लोग लाल वाला लाया। अच्छा, लाल वाला, सफेद वाला नहीं? ना, इसमें 2 तरह के होते हैं फल, लाल और सफेद। तो ये सारा आपके यहाँ लाल वाला है? जी लाल। जैसे डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, लोग बता रहे हैं कि प्लेटलेट डाउन हो रहा है,
तो उसमें इसका बड़ा है काम है। ये तो ऐसे तो वनस्पति है गंगराज। और आप क्या वो सुगंधा वगैरह लगा था सतावर वगैरह और सब? सतावर जो उधर है, है। और वो एक था क्या कवच कवच? हाँ बच था, है बच भी है कि खत्म हो गया? आइए देखा जाए बच को भी। बचा है लेकिन थोड़ा तो खुदाई का समय हो गया है। हुकाने सब है तो रैक पे है ना, देखिए वो सब अब जो भौजी दिखाई दे रहे हैं ये सब खुदा जाएंगे ना डाढ़ में। इसके पौधे क्या ना देखिए ना जल गए हैं। देखिए ये पौधे देखिए सर, ये देखिए सूख गए हैं। अब ये इसके नीचे खुदाई होगी तो ये जड़ निकलेंगे। निकालिए जरा। हाँ जी जी जड़ में से ना उसका चूरन बनता है। ये सब हल्दी है जी। ये काली तुलसी है कि ये जनरल तुलसी है? काली तुलसी है, दिख रही है काली तुलसी। काली तुलसी ऐसे दिख। तो काली तुलसी भी आप बहुत मात्रा में लगाए थे? उधर है पूरा प्लाट भरा हुआ, पूरा प्लाट इसका हम लोग तेल निकालते हैं। और एलोवेरा का क्या है? एलोवेरा का उधर है, एलोवेरा वो भी जूस जैम जैन तीन चार चीजें, तीन चार चीज़ बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए जो आप पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग क्या मैनुअल करते हैं कि कम मशीन से कराते हैं? देखिए एक बता दें आपको, इसमें ये पौधा आपने पाया है गूगल पर हमने डाला इसको, ये जो सफ़ेद सफ़ेद, हाँ ये पूरा पूरा इसको बता दीजिए, ये पूरा पौधा जैसे ही उगता है उसमें फूल साथ साथ ही लग जाते हैं। तो गूगल ने बताया एरिबा लिंटा भद्रा, एरिबा लिंटा भद्रा भद्रा। तो हमने अरुण चंदन जी से पूछा कि श्रीमान जी एक पौधा मेरे फार्म में आ गया है और जिसका नाम पता कुछ नहीं चलता, लेकिन गूगल ने बताया है एरिका लिंटा भद्रा। तो कहे कि तीन दिन में बता देंगे आपको। पाँच दिन के बाद मैंने फ़ोन किया, हाँ सर जी। तो कहे कि भाई जी पता नहीं चला। हम कहे कि सर मैं ही चाहता हूँ कि हिंदी नाम उसका होता तो हमारे पास बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, मैं पढ़ लेता। एरिबा लिंटा भद्रा करने से तो काम चलेगा नहीं। तो इसको हम लखनऊ जाएंगे 22 तारीख को ले जाएंगे पूरा पौधा निकाल के, तो इसका रिसर्च कराएंगे। हाँ कि आखिर तो ये पूरी हल्दी आप ऑर्गेनिक है? यहाँ कुछ भी आपको ऑर्गेनिक पूरी हल्दी है। हाँ जी। और बच कहाँ आपका? आइए सर देखिए ये हल्दी है। आज वैद्य जी हम लोग को कुछ हल्दी कच्ची देंगे ना? अब इसकी कब खनाई करेंगे? खनाई का समय तो ये भी आ गया है हल्दी का। पत्ते सूख रहे हैं लेकिन? हाँ वो सूखना ही इनका अच्छा है ना, पक रहा है। पक रहा ना? अच्छा ये बच है। ये बच है तो बड़ा बहुत कम हो गया है, उसका कारण है एक तो ये कि बच्चों के नाम समझी और दूसरा ये कि बीच में मार्केट बड़ा गिर गया है। तो हमने इसको बचा के रखा, इसमें बहुत ज्यादा पौधे हो जाएंगे। हाँ ये तो मैं समझ रहा हूँ। अरे समझिए कि भूत भगाने की जड़ी इसको किताब निकाल दिया, भगाने की जड़ी ना इतना बड़ा टुकड़ा लेके। इसका नाम बच है, बच है। और उसे इसके आयुर्वेदिक इलाज में क्या है? भूत तो मान लीजिए आपका मस्त मुर्गी की बेजोड़ दवा, मुर्गी की झाड़ने में काम आता है मिर्गी। हाँ नाट मुर्गी, नाट मुर्गी मिर्गी। पौधा ऐसे ही आता है जो अदरक जैसे होता है, तो ये मिर्गी के ही काम में आता है वैद्य जी? हाँ जो आराम को केवल मिर्गी के ही काम में आता है। हाँ लकवा ब्रेन से संबंधित जो मस्तिष्क, ये कंप बाग कंप कंपन, इसके चूरन को मधु में मिला के एक महीना खिला दीजिए, कंपना बंद हो जाएगा। आपके जज साहब को बेटी को देना है। अच्छा जज साहब की बेटी को? हाँ कम बातों से हो गया। अच्छा अच्छा तो क्या कंपन होता है क्या हाथे में उसको? पूरे हाथ पैर सर सर सब। हाँ उन्होंने कहा कि एक वर्ष से दवा चल रही है वैद्य जी, हम कहेंगे ठीक है सर तीन महीना का समय लगेगा। नेताजी आप बताइए इसको ब्रेन टॉनिक में आपको जरूरत नहीं ना है? ब्रेन आपका कमजोर नहीं ना है? ब्रेन तो जनरली सभी के बहुत तीव्र होते हैं। अब उसको आप कितना यूज करते हैं, जितना उसको यूज करेंगे उतना तेज होगा, और नहीं यूज करेंगे तो धीरे धीरे वो कुंद हो जाएगा। तो अब जिसके पास मतलब इस तरह की दिक्कत है वो बच खाएगा या बच का प्रयोग करेगा तो उसका ब्रेन बहुत तेज हो जाएगा। बबलू भाई जी,
आप आए हैं यहाँ पे ये अमौरा गांव में, आप ये देख रहे हैं वैद्य जी ये बच्च को निकाल रहे हैं जड़ी को खन के, तो ये बता रहे हैं कि मिर्गी के दवा में काम आता और ब्रेन टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने ये पौधा देखा था? कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पौधे के बारे में आप? पौधे के बारे में क्या कहना, इससे बड़ा कोई दवा है दुनिया में बना ही नहीं होगा जो हमारे भारत में ये सब मिल रहा है। ये सब देखिए, हम लोग पहले याद है कि खेत वोत में चाहे सब सब होता था, हम लोग सोचते गाड़ी तो बेकार है। जाने दीजिए वैद्य जी, हो गया बस आप रहने दीजिए। यही जो इसका तना है ना, एक ग्राम से दो ग्राम की मात्रा केवल लेना है किसी को, कच्चा नहीं चूरन बना के। चूरन बना तो सूख जाएगा तब ना। हाँ सूख जाएगा तब। सूख जाएगा तब जी। पीस देगा इसको? हाँ उसमें मिक्सर में ग्राइंडर में पीस देंगे। शक्ति मतलब ब्रेन टॉनिक है, तो आप इसमें हर तरह की चीजों को पक्षाघात में इसके चूर्ण को खाइए और इसको तिल के तेल में पका के मालिश कीजिए जिधर लकवा लगा। अच्छा तिल के तेल में? जी तिल के तेल में जी। इसको पाउडर बना के ही मालिश करना? जी जी बड़ा गुणकारी। क्या बात है, निकालना है इसे लेकिन अद्भुत है। क्या पड़ा हुआ हीरा भाई? नेताजी वीरेंद्र जी चौहान जी, आप अपने समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? समझने की चीज है केवल। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये सब भाई, आपका समुदाय भी बड़ा इस मामले में पिछड़ा है, आयुर्वेदिक चीजों को नहीं जानता है, रहता तो उसी में नहीं है। हाँ। हमारे समुदाय नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से रिलेटिव हैं, जुटे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन सबका मेडिकल कॉलेज और क्या